हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी योग क्लासेस में। आज हम बात कर रहे हैं LLB फर्स्ट ईयर सेम फर्स्ट। सब्जेक्ट जो हमारा पहला होता है ज्यूरिस फर्स्ट, कि मैं ऑल लॉन्ग क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूँ, ऑल लॉन्ग क्वेश्चन करा चुका हूं, और वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी करा चुका हूं। यह क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, 50+ नंबर हमारे ला सकता है, ठीक है। और अगर किसी को टॉप करना है टॉप लेवल का, तो जो मैंने अब तक ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो चीजें कराई हैं, इन चीजों को देख सकते हो, समझ सकते हो, नोट्स बना सकते हो। इसके अलावा कुछ बच्चों की कमेंट्स आई थी कि सर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बता दीजिए और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करा दीजिए। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो कुछ मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आपको कराए हैं, उन्हीं लॉन्ग क्वेश्चनों में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है छुपे हुए हैं। बच्चों की कमेंट आई थी, तो कमेंट के आधार पर ही आज देखो, आज ही मैंने ये कल रात मैंने इनको बनाया था और आज मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। 2022 में बनाया था, ठीक है ना। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप कमेंट करके मुझे ये बता दीजिएगा सर किस टॉपिक पे बनानी है, सर किस चीज़, और आप ये भी बताएगा सर मेरी कुछ कमियाँ हो करें तो मेरी कमियाँ भी बताया करो, क्योंकि जिनसे मैं सीख लेके आपके लिए और बेटर कर पाऊँ। दिक्कत क्या होती है, कभी कभार हम अपने फायदे के लिए हम किसी की बुराई नहीं करते, या शर्म की वजह से या किसी की इज्जत की वजह से। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो में जैसे कुछ कमी नजर आ रही है, कुछ लिखने का तरीका, बोलने का, हाई बोलता हूँ या लो बोलता हूँ, या आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, या मतलब जो भी चीज़, एवरीबडी जो चीज़ आपको परेशानी कर रही हो, वो आप मुझे साधारण शब्दों में बता दिया करो। और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जो हमारी कमियाँ बताता है वो हमारी कमी नहीं बताता, वो हमारी हेल्प कर रहा होता है, हमें एक रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको कहीं भी ऐसी कोई दिक्कत आती हो, तो आपको कुछ सुझाव देना हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दिया करो, है ना। उसके लिए मैं आपके लिए 100% थैंक्स बोलना चाहता हूँ अपने दिल से, ठीक है ना। और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मैंने आपके लिए 12 से 13 शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं। कितने? 12 से 13 शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं। हमारे एग्जाम में 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। कितने? 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इनमें से लगभग लगभग सभी क्वेश्चन जो हैं फंसने वाले हैं। 5 में से देखो, मैं दावा तो नहीं कर रहा कि 5ों के 5ों ही फंसेंगे, लेकिन आपसे इतना जरूर कह रहा हूं, 2 से 3 क्वेश्चन आपके जरूर फंसने वाले हैं। और सही रहा, आपने प्रिपरेशन अच्छी करी मेरे नोट्सों के द्वारा, और लॉन्ग क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चनों की अच्छे से तैयारी करी, तो आपके ये 5ों के 5ों क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 5, एक भी बाहर नहीं जाएगा, एक भी, आपसे दावा दे रहा हूँ ना, आपको 100/100 का पेपर फंसा हुआ मिलेगा मेरे द्वारा पढ़ाए हुए नोट्सों से। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर कितने नंबर का किस चैप्टर से आएगा, कितने नंबर का किस चैप्टर से आएगा। भाई साहब, आपको चैप्टर से क्या लेना, मैं आपको पूरी यूट्यूब पे सर्च कर लो, कहीं पे भी ज्यूरिस्प्रूडेंस के कोई क्वेश्चन बाई क्वेश्चन आपको अगर वीडियो मिल जाए तो सर्च दे रहा हूँ, मैं अपना चैनल बंद कर लूंगा, ठीक है ना। सिर्फ ये क्वेश्चन बाई क्वेश्चन वीडियो सिर्फ मैं आपके लिए दे रहा हूँ, क्योंकि जिस परेशानी से मैं फेस करके आगे निकला हूँ, आप उस परेशानी को फेस ना करो, ठीक है ना। आपको मैं दिखा देता हूँ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो, और बेल आइकन घंटी को दबा दो। एग्जाम चल रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड कराने वाला हूँ। एक भी वीडियो आपके एग्जाम से भाननी होने वाली है, कुछ ना कुछ आपको एग्जाम से रिलेटेड मिलेगा जरूर। और दूसरी बात, बच्चे क्या करते हैं, जो ये मैं मटेरियल आपके लिए लिख के दे रहा हूँ, ये जो मटेरियल है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करा रहा होता हूँ, क्वेश्चन से पहले जो मैं आपको कुछ बातें बता रहा होता हूँ,
ये आपके क्वेश्चन में बहुत योगदान देने वाली होती हैं आपके लिए, ठीक है ना। वीडियो पे चलते हैं, और अभी आपने अगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो फटाक देसी, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाने वाला हूं मैं आपके लिए, ठीक है ना। और दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात तो रही गई, उसे और बता देते हैं। इन शॉर्ट क्वेश्चनों को कराने के बाद, इन शॉर्ट क्वेश्चनों को कराने के बाद अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे लगे तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, तुरंत मैं आपको इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करके वीडियो आपके तुरंत डालूंगा, ठीक है ना। चलते हैं अपने वीडियो पे। देखो पहला जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई, लिख लेना। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं इस पेज में, जितने मैं क्वेश्चन आपको देने वाला हूं, सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। पहला है देखो, क्वेश्चन नंबर 1, प्राकृतिक विधि की परिभाषा। या तो ऐसे आ सकता है प्राकृतिक विधि की परिभाषा, या फिर ऐसे आ सकता है प्राकृतिक विधि का योगदान। ये दो तरीके से पूछा जा सकता है, किस तरीके से, दो प्रकार से, प्राकृतिक विधि की परिभाषा या प्राकृतिक विधि का योगदान, ये दो तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया डन, ठीक है। दूसरा है, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेके बैठ जाते हैं ना, उनको ये दिक्कत आती है कि प्राकृतिक विधि की परिभाषा और योगदान वो एक ही जोड़ लेंगे, इसका मतलब है दो, प्राकृतिक विधि की परिभाषा, प्राकृतिक विधि का योगदान, इसके बनते हैं क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, ठीक है। दूसरा है हमारा, कोहलर के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए, सही है, कोहलर के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। इसके बाद है हार्ट का योगदान, क्या है, HLA हार्ट, इनका जो पूरा नाम है वो HLA हार्ट है, क्या है, HLA हार्ट, समझ जाना अगर कोई इन नाम से जानता हो तो, इनका पूरा नाम है HLA हार्ट, तो HLA हार्ट का योगदान। 2-3 दिन से मेरी तबीयत खराब चल रही थी बहुत ज्यादा, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अब भी तबीयत में थोड़ा सुधार नहीं है, बीमार चल रहा हूं मैं इस समय, गले में बहुत ज्यादा दिक्कत है, पेन हो रहा है, शायद वो सूजन आ गई है गले पे ठंडा पानी पीने से, और उसी की वजह से वे 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब मुझे भी लगता है कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूं और आप अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करके आए, ठीक है ना। तो ये है तीसरा क्वेश्चन, हार्ट का योगदान। देखो बेटा यहाँ पे एक गलती हो गई है मेरे से, यहाँ पे जो एस लिख दिया मैंने, यहाँ पे HLA आएगा, HLA हार्ट, सही है, सॉरी माँ सॉरी, यहां आएगा HLA हार्ट, ठीक है। और तीसरा चौथा है हमारा, देखो चौथा देखते हैं, कैलसन का मूल मानक सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंटों में से है, सारे के सारे सभी के सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपको फिर बताई दे रहा हूं, कैलसन का मूल मानक सिद्धांत, ठीक है। पांचवा है सेवनी का अंतर चेतना का सिद्धांत, या सेवनी का योगदान, सेवनी का योगदान या सेवनी अंतर चेतना का सिद्धांत, ये दो प्रकार से बन सकता है, नंबर 1 और नंबर 2, सेवनी अंतर चेतना का सिद्धांत, सेवनी का योगदान, ठीक है, दो तरीके से बन सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा आ जाओ, हेनरी मैन हैसियत से संविदा की ओर, ठीक है, ये पूरा होता है, तो मैंने यहां पे शॉर्ट में लिख दिया है हेनरी मैन हैसियत से संविदा, या फिर क्वेश्चन एक तो ये हो जाता है, या फिर क्वेश्चन बनता है दूसरा, हेनरी मैन का योगदान, क्वेश्चन नंबर 2, यहां से इस तरीके से भी आ सकता है, लेकिन दोनों का आंसर मैंने ऐसे लिखा है कि दोनों में जाके मैच करेगा, ठीक है ना। सामंट का योगदान, सामाजिक समरसता, या तो देखो यहां पे क्वेश्चन 1 ये ऐसे आ सकता है सामेंट का योगदान, या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है दो, सामाजिक समैक्यता, ठीक है, दो तरीके से ये आ सकता है। यहां पे आता है इसके आगे मार्क्सवाद की विचारधारा, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी
एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑल क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है विश्लेषणात्मक पद्धति, ठीक है। इसके बाद आता है ऐतिहासिक पद्धति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आता था बेंथम का योगदान, बेंथम का योगदान। इसके बाद आ जाता है डीन रास्को पाउंड सामाजिक अभियांत्रिकी की, डीन रास्को पाउंड सामाजिक अभियांत्रिकी की। इसके आगे आ जाता है विधि शास्त्र कानून का नेतृत्व, विधि शास्त्र कानून का नेतृत्व। ये मैंने आपको कराए हैं 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चनों में ए और बी पार्ट भी हैं, जैसे यहाँ पे हैं, जैसे यहाँ पे हैं, ये बी पी पार्ट भी हैं। ये हैं विधि शास्त्र के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न, बी भी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन क्वेश्चनों में से अगर हमारी किस्मत खराब है या पेपर अगर हमारे आउट से ऑफ माइंड से अगर लक चला जाए तो मैं कह नहीं सकता हूँ, देखो सबसे बड़ी होती है लक। मैंने भी अपने पूरे अनुभव को झोंक के, इसे तराश के, सारा कुछ निकाल के मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें से अगर हमारी किस्मत साथ है, हमारी मेहनत साथ है और उसी पैटर्न पे अगर पेपर आता है, और आएगा ही, ये मेरा मानना है, क्योंकि पैटर्न चेंज नहीं हो सकता। एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएगा 1.5 आवर्स की वजह से, बस वो ढाई 1.5 आवर की वजह से, ठीक है। क्वेश्चनों में बदलाव होगा लेकिन आंसर वही रहेंगे, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनका अध्ययन देखो, कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मेरी लॉन्ग वीडियो में मिल जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चनों में, लॉन्ग क्वेश्चंस में है। और अगर आप चाहते हो कि आप मैं ही इन सब शॉर्ट क्वेश्चनों की वीडियो बना के डालूं, तो आप जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, क्योंकि आपके पास भी क्या नहीं है, टाइम नहीं है, ठीक है। आप जितनी कमेंट करके भेजोगे उतनी जल्दी मैं आपको लिए शॉर्ट वीडियो भेजने वाला हूँ, ठीक है ना। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आपसे एक बार फिर कह रहा हूँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। लाइक भी ना करो, शेयर भी ना करो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आपके पास मेरे सारे नोटिफिकेशन, सारी वीडियो आती रहेंगी। और आपको गारंटी देता हूँ, आपको फेल नहीं होने दूंगा, अच्छे नंबरों से पास कराने वाला हूँ, अगर आप मेहनत करते रहे मेरे साथ तो, ठीक है ना। वीडियो के साथ साथ आप जितनी मेहनत कर रहे हो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप निरंतर आगे बढ़ो। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।